चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में, कैसे उन्होंने कैप्चर किया सरहंद वजीर खान से, और उससे उसके बाद हमने ब्रेक टाइम हो गया था हमारा, और काफ़ी नियर अबाउट मोर देन 1 आवर की वीडियो हो चुकी थी, और इस अभी और नियर अबाउट 1 आवर की और वीडियो पड़ी है हमारे पास जो बनेगी, जो मुझे लगता है कि 1 आवर से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी दल खालसा करना है, महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में बताऊंगा आपको मैं, और उसके बाद जो तख्त है हमारे, 5 तख्त हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने पंजाब को कैप्चर किया, फिर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे चल रही है हमारी आज की डेट में, और क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है पंजाब के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा आपको। तो बहुत सारा वीडियो पड़ा है, एक वीडियो में इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम 3 और 4 दिन लगे हैं मुझे, मैं वो बहुत कम सोया भी हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो आप सबको एग्ज़ाम में, अगर आप इसको सुन के भी जाएँ जहाँ अपने नोट्स भी बनाएं, तो आपको और ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसके इसके लिए मैं इस चीज़ को ध्यान करते हुए मैंने ये चीज़ वीडियो बनाई है। और हमारा जो अभी ब्रेक पार्ट 1 जो पहले था आप सबने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं आपको उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो उस पार्ट 1 को देखें, फिर इसके बाद ये पार्ट 2 देखें, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं लगेगा मैंने उसके अंदर शुरू से लेके मतलब कैसे वो पंजाब इम्पोर्टेंट था मुगल्स के लिए और ग्रीक्स के लिए, पर्शियंस के लिए, कुशन के लिए, गुप्तास के लिए, मौर्य के लिए, सब सब डिस्क्राइब किया है थोड़ा सा शॉर्ट में, और सबको लिंक किया है कि अगर कोई डायनेस्टी आई है और अगर कुछ उसके बाद दूसरी कोई डायनेस्टी आई है तो वो कैसे आई है, उसका रीज़न क्या है, और वो कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें पहले, और उसके बाद ये वीडियो देखें, नहीं तो आपको मतलब प्रॉपरली समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर एग्ज़ाम में। अगर मैं नहीं चाहता कि आपका एक एक नंबर भी बहुत कॉस्टली है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 0.25 से 0.5 से भी रह जाते हैं, वो उसका कारण यही है कि हम सीरीज़ स्टार्टिंग स्टार्टिंग से रीड नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, और हम बीच का मटेरियल उठा लेते हैं और उसी को पढ़ के जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग से रिलेट करती हैं, और आप बीच में आके उनका जिक्र होता है जहाँ उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली वीडियो में मैंने आपको जो हमारी लास्ट वीडियो सॉरी जो हमारा लास्ट टॉपिक था पहली वीडियो का, वो था बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में, उसके अंदर मैंने सिखिज्म के बारे में बताया है, जो हमारे 11 गुरु हैं उनके बारे में बताया है, और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर जी के जो मेरा लास्ट टॉपिक था पहली वीडियो में, मैंने उसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखे थे, और अब मैं चल रहा हूँ आपको दल खालसा के बारे में। दल खालसा के बारे में मैं पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ हो गई, उनको उनको मर्डर कर दिया गया उनका एक तरह से, तो वो उसके बाद आप ये कह सकते हो या एक तरह से ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई सिखिज्म के अंदर, सिख जो फॉलोअर्स थे, कि कोई भी एक पावरफुल लीडर नहीं था उनके लिए, तो फिर उन्होंने जो सिख वॉरियर्स थे उन्होंने भाई मनी सिंह को एक तरह से अपना इंचार्ज दिया, जहाँ उनको अपना नेता माना, और उनके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना हम साल में या बाई साल में 2 बार अमृतसर में मीटिंग करें, बैसाखी वाले दिन और दिवाली वाले दिन, तो ऐसे जो मीटिंग करेंगे, जो मीटिंग होगी उसको नाम दिया गया सरबत खालसा, जो वो तो आप ये कह सकते हो जो साल में 2 मीटिंग होती थी, बैसाखी वाले दिन, बैसाखी के दिन और दिवाली के दिन, उस मीटिंग में जितने भी सिख फॉलोअर्स इकट्ठे होते थे, जहाँ उनके जो पावरफुल लीडर्स जो उन्होंने अपने अपने एक तरह से आगे प्रमोट कर रहे थे, उनको वो मीटिंग को नाम दिया गया सरबत खालसा, और ये एक जिसको बोला गया रियल फोर्स थी सिख वॉरियर्स की, सिख वॉरियर्स की, और लेकिन जो
मुगल का जकरिया खान था, वो मुगल गवर्नर था लाहौर का, और उसको भी सिख जो ये फौज थी, सिख वेरियर्स थे, उन्होंने उसको डिफीट भी किया। तो उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपना जो वो हार गया था, डिसाइड किया कि मैं अब इनको जो सिख फॉलोअर्स हैं या सिख सूबा बोला जाता है पंजाब में, जो वेरियर वॉरियर्स हैं, ठीक है, जो ये योद्धा हैं, सिख योद्धा हैं, जो वो उसने ये प्लान किया कि मैं इनको धोखे से मारने की कोशिश करूँगा। और उसने क्या किया, उनको आपस में लड़ाने के लिए एक जागीर सिस्टम और जागीर ऑफर की उनको, मतलब ज़मीन ऑफर की, और एक टाइटल देना शुरू कर दिया नवाब का, कि जो अच्छा लीडर होगा उसको मैं नवाब का टाइटल दूंगा। उसका मकसद ये था कि मैं इनके अंदर फूट डलवाता हूँ, और मुगल्स का जो जो था, और उस वजह से वो चाहता था कि ये सब एक रहते हैं, इनको तोड़ना ही इनकी कमज़ोरी रहेगी। और वही काम ब्रिटिशर ने भी हमारे यहाँ पे किया। तो ये भी बड़ा देखिए मैटर करता है कि जैसे जैसे पीछे लड़ाइयाँ होती रही हैं इंडिया में, वो हम लोगों को लड़ा के आगे आते रहे हैं, वही ब्रिटिशर्स ने किया और वो राज करते रहे। तो ऐसे ये हिस्ट्री से हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको डिस्क्राइब करेगी, कहीं ना कहीं इसका लिंक नज़र आएगा आप अगर उसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे। तो जो कपूर सिंह थे, कपूर सिंह पहले लीडर थे, सिख लीडर थे, और जिनको टाइटल मिला नवाब का, इसलिए इनको नवाब कपूर सिंह भी बोला जाता है। और उसके बाद इन्हों जो सिख फॉलोअर्स थे, इन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि जो हमारे सिख है फोर्स है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाए, और एक का नाम दिया गया बुड्ढा दल, जिसको मैं कह सकता हूँ वेटरन ग्रुप, जिसमें जो उनका ड्यूटी थी कि वो गुरुद्वारा और गुरुद्वारा है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको उनकी सुरक्षित रखेंगे उनको, और जो यंगर सिख हैं, जो नौजवान हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे वो, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो बुड्ढा दल, जो काफ़ी बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग लोग थे या जिनको एक्सपीरियंस था। फिर आगे दूसरा जिन्होंने ग्रुप बनाया उनका नाम था तरुण तरुण दल तरुण दल। तरुण का मतलब होता है नौजवान, हम इसको कह सकते हैं यूथ सोल्जर। और इनका जो काम था कि जो लड़ाइयाँ होती थी और उनमें इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी, लोगों की भलाई के लिए, गरीबों के लिए और धर्म के लिए जो लड़ाइयाँ लड़नी थी, वो इनको काम दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1735 में एक एग्रीमेंट हुआ जकरिया खान और नवाब कपूर सिंह के बीच में, और सॉरी वो एग्रीमेंट टूट गया था, जो उसने पहले एग्रीमेंट किया था जकरिया खान ने, वो था जागीर सिस्टम का, वो जो एग्रीमेंट था वो टूट गया। और क्योंकि उसके बाद जो हरमिंदर साहब के जो प्रिंस थे, जो ग्रंथी थे, भाई मनी सिंह को उन्होंने जो मुगल से उन्होंने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और सिख जो थे वो उन्होंने काफ़ी उनके अंदर एक मतलब गुस्से की भावना पैदा हो गई कि ये फिर मुगल्स जो हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए सोचा और इसका फिर आगे प्लानिंग की। उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर था नादिर शाह, वो उस टाइम इंडिया में आ रहा था, और उससे आने से पहले ही जो सिख फॉलोअर्स थे उन्होंने जो जकरिया खान था उसको मार दिया। और उसके बाद उसका जो बेटा था यहाया खान, उसने उसका कमांडर बना उसके बाद। और उसने क्या, जो यहा खान था, यहा खान ने क्या किया, एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की, और जो एक जगह है कानूवान, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ पे काफ़ी जो सिख थे, नियर अबाउट 7,000 के आसपास जो सिख थे, वो अपनी फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो वहाँ काफ़ी बड़ा रास्ते में जंगल था और वो वहाँ ठहरे हुए थे, और आप ये कह सकते हो कि बच्चे भी थे, कुछ लेडीज थी साथ में, मतलब फैमिली थी, सिर्फ उनमें कोई योद्धा नहीं थे, लेकिन फैमिलीज थी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो
तो उनके ऊपर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, और नियर अबाउट 7,000 सिख थे, और बच्चे थे, निर्दोष थे, इनोसेंट थे, उनको उस मुगल फोर्स ने उनको वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया। तो इस जो ये घटना हुई इसको बोला जाता है छोटा कल्लूगारा। पंजाबी में कल्लूगारा का मतलब होता है कि बहुत ही निर्दयी से मारना, या बहुत ही असहनशील या निर्दयी होता है जो वो सबको मार देता है। बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है वहाँ पे, और एडवर्सिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। और उसको बोला गया छोटा कल्लूगारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर जो कह सकता है कि छोटा कल्लूगारा कहाँ पे हुआ, छोटा कल्लूगारा कहाँ हुआ। तो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, साथ में पंजाबी बोल रहा हूँ, थोड़े जो वर्ड हैं पंजाबी में और हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है। जैसे पंजाबी में बोला जाता है कल्लूकारा, और लेकिन जो हिंदी में है वो मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ गल्लूकारा, कि जो छोटा गल्लूकारा था वो कहाँ पे हुआ। तो उसका आंसर है कानूवान डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो था इस वजह से तो जो था मुगलों में भी काफ़ी डिफरेंसेस आ गए, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो सरबत खालसा की मीटिंग होती थी, जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक साथ इकट्ठा होने का निर्णय लिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये हमारे नुकसान है, हमारे और जो सिख भाई हैं और जो गरीब लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो मारे जाएंगे। इससे बेटर है कि हम एक हो जाएं, और उसको एक सिंगल बॉडी बना दिया गया और नाम दिया गया दल खालसा। ये आप ध्यान रखें, दल खालसा में ये थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू सरबत खालसा के बीच में। तो 1748 के अंदर दल खालसा को बनाया गया, और इसके जो पहले मोडी कहते हैं, जिसको हम पंजाबी में मोडी कौन मोडी थे, जहाँ पहले जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया को उनके अंडर ये दल खालसा बना, वो लीडर बने इसके। और उसके बाद जो दल खालसा की जो नियर अबाउट 11 यूनिट बनी है, बट एक्चुअली ये 12 थी, पर मुझे कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ट्वेल्थ यूनिट थी, इन यूनिट को बोला जाता था मिजल, मिजल बोला जाता था, और मिजल का नाम दिया गया है। लेकिन मुझे मतलब कहीं मैंने पढ़ा है, और ये जहाँ से मैंने पढ़ा है, ये एक अथेंटिकेट रिसोर्सेज से पढ़ा है मैंने, पंजाब सरकार की कुछ रिसोर्सेज से पढ़ा है मैंने थोड़ा सा, कि जो 12th मिसाइल थी वो फुल्किया मिसाइल थी, जो वो दल खालसा की जो दल खालसा था उसका हिस्सा नहीं थी, वो बाद में ऐड हुए हैं। पर जब ये दल खालसा बना है उस टाइम ये फुल्किया मिसाइल जिसको बोला जाता है वो उसकी उसका पार्ट नहीं थी। तो ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, या आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 फरवरी 1762 को एक बैटल हुई सिख और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो अफगान रूलर था। और उन्होंने क्या किया, नियर अबाउट 20,000 से लेके 50,000 के बीच में जो सिख थे, इनोसेंट सिख थे, मैन वुमेन चिल्ड्रन सबको मारा। आप सोच सकते हो 20,000 और 50,000 के बीच में अगर आप किसी को मतलब ये मुगल उन्होंने मारा है अफगानों ने, तो कितना बड़ा वहाँ पे आप सीन सोचो, अगर दिमाग में भी आप सोचते हो तो कितना बड़ा आप सोच के भी देखो, आपको डर लगेगा कि 20,000 या 50,000 के आसपास अगर लोगों को मारना, कत्ल करना, निर्दोष बच्चों का, 1 साल 2 साल के जो बच्चे हैं उनका कत्ल करना, तो कितना मतलब वो होगा। तो उन्होंने वहाँ पे जो मारा है वो जगह का नाम था संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने मारा है, तो उसको नाम दिया गया है वड्डा कल्लूगारा, वड्डा कल्लूगारा बोला गया है। और वहाँ पे और ये हुआ था 1762 के आसपास। तो ये भी ध्यान रखें कि वड्डा कल्लूकारा कहाँ पे हुआ, छोटा कल्लूकारा कहाँ पे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी दल खालसा की जो यूनिट थी, मिसल थी, और उन्होंने सरहंद को कैप्चर किया 1764 में, 2 साल के बाद, वड्डा कल्लूकारा के 2 साल के बाद। और उसके बाद ये पावर में आए,
बट जब जस्सा सिंह अहलूवालिया की डेथ हो जाती है 1783 में, तो ये जो दल खालसा था इसका फिर आप ये कह सकते हो कि एंड हो गया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लीडर थे, वो सबको एक करके रखते थे। और फिर जो दल खालसा के जो यूनिट थे उन्होंने अलग अलग होने का फैसला किया और अपनी अलग अलग से यूनिट बनाई, पर उनकी ये होता था कि ये आपस में रहेंगे, लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं आपस में, लेकिन अपनी यूनिट में एक अपना आप कह सकते हो कि एरिया भी ले लिया उन्होंने कि आप इस एरिया में हम अगर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहेंगे तो वो भी अच्छा है कि हम दूसरे के एरिया में अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और अगर हम मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात है। तो जो ये मिज़ल जो वर्ड है मैं आपको बताता हूँ, ये अरब जो है लैंग्वेज से आया है, मिज़ल अरबी भाषा का एक वर्ड है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखें, ध्यान रखें कि कहाँ से आया है। और अब मैं आपको बताता हूँ जो मिज़ल थी वो, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि मिज़ल कैसे 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 बनी और कौन कौन के इनके वो थे, लीडर थे। पहले मैं बताता हूँ आपको करोड़ संज्ञा मिज़ल। करोड़ संज्ञा मिज़ल जो थी उनके जो नेता थे, जो लीडर थे, वो थे करोड़ सिंह। करोड़ सिंह के नाम पे इनका नाम पड़ा, मिसल का नाम पड़ा करोड़ सिंह। आगे है निशान वालिया मिसल। निशान वालिया मिसल के जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं सरदार संग सिंह एंड दसुंदा सिंह। दसुंदा सिंह जो है इनके लीडर रहे हैं। इनके पास एक निशान होता था, चिन्ह होता था, जैसे आप मेरी इस वीडियो में एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही इनका नाम पड़ा निशान वालिया या निशान वालिया मिसल। उसके बाद है निहंग मिसाइल या शहीदा मिसाइल, और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं वो है सुधा सिंह और बाबा दीप सिंह, भी इस मिसाइल से रिलेटेड रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो था जहाँ तक मुझे याद है और मैं श्योर भी हूँ, ये पन सब का एक पेपर हुआ था 2016 में, सब इंस्पेक्टर का, नो सॉरी सॉरी, फूड सप्लाई का पेपर हुआ था, फूड सप्लाई का पेपर हुआ था इंस्पेक्टर का पंजाब स्टेट पे। तो ये क्वेश्चन आया था कि बाबा दीप सिंह किस मिसाइल से बिलोंग करते हैं, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था महाराजा रणजीत सिंह किस मिसाइल से बिलोंग करते हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो बाबा दीप सिंह थे शहीदा मिसाइल से बिलोंग करते थे, और निहंग मिसाइल भी बोला जाता है इनको। और आपने देखा होगा कि पंजाब में काफ़ी निहंग बोला जाता है, जब होला मोहल्ला होता है आपने देखा होगा, अभी काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए वो ऐसे ही कपड़े पहनते थे और ऐसे ही वो मतलब अपने कर्तव्य दिखाते थे अपने समाज के लिए। आगे है निकई मिसाइल, इसके लीडर थे हीरा सिंह निकई, और इनके नाम पे फिर आगे बढ़ा निकई मिसाइल। आगे है दल्ले वालिया मिसाइल, इसके जो लीडर थे गुलाब सिंह दल्ले वालिया, इनके नाम पे पड़ा है। आगे है रामगढ़िया मिसाइल, रामगढ़िया मिसाइल के जो लीडर रहे हैं वो रहे हैं कुशल सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया, और इनके नाम पे ही पड़ा है। और आप ध्यान रखें, पहले थे जो जस्सा सिंह अहलूवालिया थे और ये जस्सा सिंह रामगढ़िया है, फ़र्क है दोनों में, कंफ्यूज मत होना वहाँ पे पेपर में। नेक्स्ट है फुल्किया मिसाइल, फुल्किया मिसाइल जो थे वो चौधरी फूल थे। और नेक्स्ट है पंगी मिसाइल, पंगी मिसाइल ऐसे बोला जाता है, ये बांग होती है ना, जो बांग पंग बोलते हैं पंजाब में, पंजाबी में पंग, और वो उसके उसको काफ़ी यूज़ करते थे ये, और इसके लिए नाम पड़ा पंगी मिसाइल। और इनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे छज्जा सिंह और हरी सिंह ढिल्लो, जो प्रोमिनेंट लीडर थे। नेक्स्ट है आलूवालिया मिसाइल, आलूवालिया मिसाइल आप सब जानते हैं, जैसे मैंने बताया था जस्सा सिंह जो थे आलूवालिया उनके नाम पे ये पढ़ा है वैसे, और उनके ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं जस्सा सिंह आलूवालिया। नेक्स्ट है कन्हैया मिसाइल, और ये है जो लीडर थे प्रोमिनेंट लीडर थे सॉरी जय सिंह कन्हैया थे जो इनके लीडर थे, मोडी थे या फाउंडर थे कह लो आप एक तरह से। अगर आगे है सुकेर चकिया मिसाइल, सुकेर चक मिसाइल, तो जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे छत्तर सिंह और बुद्धा सिंह, इनके भी लीडर रहे हैं, प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। और उसके बाद जो प्रोमिनेंट लीडर थे बुद्धा सिंह के बाद वो थे नौद सिंह, नौद सिंह इनके वो रहे हैं।
लीडर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुखाचक मिसाइल से ही महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग करते थे। महाराजा रणजीत सिंह भी इसी मिसल में थे और इसी मिसाइल से वो आगे आए हैं। नेक्स्ट है सिंहपुरिया मिसाइल या फैजलपुरिया मिसाइल, जिनको बोला जाता है, दोनों का एक ही नाम है। और ये है नवाब कपूर सिंह, इसके प्रोमिनेंट लीडर या फाउंडर रहे हैं। तो ये था इसके बारे में, मिसल के बारे में। और अब आगे चलते हैं हम महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में, क्योंकि अगर मिसल का आपको पता होगा आप समझ जाएंगे कि इसके बाद कैसे आगे इतना बड़ा साम्राज्य सिखिज्म का इकट्ठा हुआ या एक हुआ, वो सब महाराजा रणजीत सिंह जी की देन है। और महाराजा रणजीत सिंह जी का अभी आप शायद देख रहे हैं टीवी पे, शायद एक शो भी आ रहा है, वो उसमें भी आप देख रहे होंगे, उन्होंने भी जो उनका ट्रेलर आ रहा है उसमें भी वो उन्होंने बोला है कि अगर हम सब एक रहेंगे तो एक ताकत रहेंगे, और एक ताकत में ही हम सबकी एकता में ही हमारी सबसे बड़ी पावर है, हमारी सबसे बड़ी खूबी है। तो जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे वो 1780 में गुजरांवाला जो सिटी है पाकिस्तान में, वहाँ पैदा हुए थे। और ये सुखेर चकिया मिसाइल से बिलोंग करते हैं, और उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, और इनके फादर का नाम था सरदार महा सिंह, और राजकौर इनकी माता का नाम था। और सबसे बड़ी बात, महाराजा रणजीत सिंह जी का ओल्ड नेम था वो था बुद्ध सिंह, और मैंने आपको बताया भी था कि ये मिसल से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम था बुद्ध सिंह, और इनको शेरे पंजाब भी बोला जाता है। ये बहुत ही निडर थे, बहुत ही मतलब सहाय जो कहते हैं सराहनीय काम किया है इन्होंने, और इनको शेरे पंजाब भी बोला जाता है। पंजाब को इतना बड़ा खड़ा करने में, इतना बड़ा आगे करने में सबसे बड़ा योगदान इनका ही है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे वो कभी स्कूल नहीं गए, आप इमेजिन कर सकते हो, वो कभी स्कूल नहीं गए, तभी वो इतना बड़ा राज्य चलाते थे, सबको इकट्ठा किया, और सबसे बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था उनके राज में। और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। और तो ऐसे पता चलता है कि अगर आपके अंदर अच्छा शक्ति अच्छी है, आप अगर अच्छे अच्छे विचार रखते हो, अच्छी दिशा में अच्छे काम करते हो, लोगों के लिए काम करते हो, और तो भगवान भी आपका साथ देते हैं और आप भी आगे कामयाब होते हो। और सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने जो स्पेंड किया है वो राइडिंग, घुड़सवारी अच्छी करते थे, एंड चेस भी खेलते थे एक तरह से उस टाइम की जो जो भी चेस थी। और सबसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने आप को जो उपाधि दी महाराजा की, ये सबसे पहले राजा हुए, सबसे पहले सिख कह सकते हो, सिख रूलर हुए हैं, या फिर एक तरह से योद्धा हुए हैं सिख सिख सिखों में, जिन्होंने अपने आप को एक तरह से महाराजा की उपाधि दी थी 1801 में, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, और उन्होंने नानकशाही सिक्का, जिसको हम कह सकते हैं कॉमोरेटिव क्वाइंस, इंट्रोड्यूस किए अपने राज्य में, जिसके ऊपर गुरु नानक देव जी की इमेज बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, महाराजा रणजीत सिंह गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, बहुत मानते थे, बहुत काम किए इनके लिए, इन्होंने इनके नाम पे काफ़ी स्कीमें भी चलाई इन्होंने अपने राज्य में। तो उनमें से एक तो मैंने जैसे बताया नानक शाही क्वाइन, जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद इन्होंने मक्खन चंद जो एक छत्री था उसको चीफ अपॉइंट किया अपनी आर्मी का, और 1808 में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ 1808 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सॉरी 1808 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेटकाल्फ को इनकी इनके दरबार में भेजा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताई एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो लैंड रेवेन्यू को लेकर था, और इसको बाद में 1824 में कनकूट के नाम से चेंज कर दिया गया।
और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो हरिमंदर साहिब में अगर आप सब गए हो हरिमंदर साहिब, वहाँ पे जो सोने की प्लेट्स हैं ऊपर लगी हुई हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने और उसकी जो उनकी जो मदर इन लॉ हैं रानी सदा कौर, उन्होंने डोनेट की हैं। और उसके बाद इनका जो फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन एक मुस्लिम था, वो फॉरेन मिनिस्टर था इनके दरबार में, और दीनानाथ एक हिंदू था जो ब्राह्मण मिनिस्टर था, और ध्यान सिंह जो एक डोगरी था वो प्राइम मिनिस्टर था। तो आप सोच सकते हो कि इनके इन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, वो सिर्फ देखते थे कि हाँ मेरा राज्य में सब ठीक ठाक है, हर कोई एक है। तो इससे बड़ी और आप क्या सोच सकते हो कि इतना अच्छा जो सोच है इनकी और इतने अच्छे विचार हैं इनके। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जो एक महाराजा रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह जी ने श्री पटना साहिब जो गुरुद्वारा है, बर्थ प्लेस गुरु गोविंद सिंह जी की, और तख्त श्री हजूर साहिब जो जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी को एसोसिएशन हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी की, वहाँ ज्योति जो समाए थे वो भी इन्होंने बनाया है, और कोहे नूर जो हीरा था डायमंड का वो उनकी बाजू पे बना बधा होता था, और जो वो कोहे नूर जो हीरा है वो उन्होंने वफा बेगम थी जो वाइफ थी शाह शुजा की जो वाइफ थी वफा बेगम से लिया था, और उसके अंगेंस्ट में शाह सहुजा को उन्होंने रिलीज कर दिया था जो उनकी कैद में था। बट उसके बाद उनके जो यंगर सन थे बाबा दिलीप सिंह जी, या आप ये कह सकते हो दिलीप सिंह जी, उन्होंने उनके उनसे ब्रिटिश ने वो छीन लिया, क्योंकि बाबा दिलीप सिंह की जो आयु थी वो बहुत कम थी, नियर अबाउट 6 या 7 साल के थे वो, सॉरी 5 या 6 साल के थे, और उस टाइम मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से वो बालक ही थे, और उनसे एक धोखे से सारा कुछ धोखे से छीना है। मैं आगे बताऊंगा वो कैसे कैसे इन्होंने किया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे वो पैरालिसिस से उनकी डेथ हो गई थी लाहौर में 1839 में, और उनके बाद फिर उनके जो भी मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे हुआ। तो ये मैंने आपको बताया है महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में, कैसे कैसे वो उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कैसे वो आगे बढ़े, ठीक है। और इनके बाद जो लेकिन मैं इसके उनकी जो बैटल हुई हैं मैं आपको पहले उनके बारे में बताता हूँ, जो बैटल इन्होंने जीती हैं, बैटल ऑफ लाहौर, बैटल ऑफ अमृतसर, बैटल ऑफ कसौर, बैटल ऑफ जंग, बैटल ऑफ सियालकोट, बैटल ऑफ कांगड़ा, बैटल ऑफ अतोक, बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ कश्मीर, बैटल ऑफ पेशावर, ये सब जो बैटल्स हैं ये आगे मैंने इसके ईयर डाल रखे हैं, जीत कौन किन के साथ लड़ी है, किसे जीता है, उनके नाम भी मैंने डाल रखे हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, पर अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में देखा नहीं है इसको, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक आधा क्वेश्चन आ सकता है आगे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह जी के कौन कौन थे। उनके बाद इनके बेटे बने खड़क सिंह, फिर उनके आगे बने नौनिहाल सिंह, फिर चांद कौर, और उसके बाद फिर बने हैं शेर सिंह, और उनके बाद बने हैं बाबा सॉरी उनके बाद बने हैं शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की आयु बहुत कम थी और ये लास्ट महाराजा रहे हैं पंजाब के, और 5-6 साल की उम्र में ही मतलब ये महाराजा बने, और धोखे से आप कहते हो अंग्रेजों ने इनके साथ बहुत गलत एग्रीमेंट्स किए हैं जानबूझ के, क्योंकि ये इतने मेच्योर नहीं थे, तो बस और लड़ाइयाँ लड़ लड़ के और जानबूझ के जो इनके सिपाही जो अंदर के लोग थे उनको रिश्वत से या धोखे से अपनी ओर करके तो इनको हराया गया है। बाद में इनको रिटायरमेंट की पेंशन लगा के भेज दिया गया था, मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे भेजा इन्होंने। अब आगे चलते हैं कि इनके बाद क्या हुआ जब दिलीप सिंह जी राजा बने। तो फिर
जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ, एंग्लो सिख इसलिए बोलते हैं, ब्रिटिश और सिखों के बीच में ये वार हुई थी, और पहली एंग्लो वार हुई थी 1845 और 1846 तक के बीच में कह लो, या एक साल तक ये वार चलती रही ऑलमोस्ट, और एक साल तो नहीं चली है लेकिन 1845 के एंड में शुरू हुई थी और 1846 के स्टार्टिंग के दिनों में, मतलब एक दो महीने तक चल के बीच में मतलब हो गई थी ख़त्म। ये लड़ाई हुई थी महाराजा दिलीप सिंह और दिलीप सिंह के जो सिपाही थे उनकी फौज थी उनके साथ, और उनकी और जो उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर थे जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग उनके साथ हुई थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैंने बोल्ड में ये ब्लू कलर में या नेवी ब्लू कलर में मैंने जो इस टेबल में कर रखा है, वो इसका मीनिंग है कि वो जो लड़ाई थी वो सिखों ने जीती थी, मतलब दिलीप सिंह जी ने जीती थी, बाकी जो लड़ाइयां हैं वो ब्रिटिश ने जीती हैं। तो पहली लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ मुदकी जो हुई वो 1845 में हुई, और 1845 में जो लड़ाई लड़ी गई वो लाल सिंह और सर ह्यूज गॉफ तो जो थे उसके बीच में लड़ी गई, और बोला जाता है कि इसमें लाल सिंह ने बेईमानी की थी और उसकी वजह से ये हारे थे। फिर बैटल ऑफ फिरोजशहर के बीच, फिरोजशहर पे हुई, इसको बैटल ऑफ मुदकी इसलिए बोला जाता है कि मुदकी एक जगह थी वहाँ पे हुई, ऐसे ही बैटल ऑफ फिरोजशहर हुई क्योंकि फिरोजशहर एक जगह है वहाँ पे हुई। बैटल ऑफ बद्दोवाल भी आगे आएगा, और बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ सबराओं, ये सब जगह के नाम हैं, उस जगह के नाम पे ही लड़ाइयों के नाम रखे गए। जैसे आप जब जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो उसे बोलते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध, जगह के नाम पे ही बोला जाता है। पानीपत की लड़ाई भी आपको पता है पानीपत में हुई, तो ये सब वहीं जो जगह पे लड़ाई होती है उसी के नाम पे बोला जाता है। जैसे बैटल ऑफ लाहौर, बैटल ऑफ अमृतसर, बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ फिरोजशहर, ये सब इसी के नाम पे ऐसे नाम दिए जाते हैं। बैटल ऑफ फिरोजशहर जो हुई लाल सिंह और तेज सिंह के बीच, तेज सिंह के साथ ह्यूज गॉफ के साथ हुई, ये भी सिख जो थे हार गए थे। बैटल ऑफ बद्दोबाल जो हुई वो रणजोत सिंह मजीठिया और हेनरी स्मिथ के बीच में हुई, और ये सिखों ने जीती, और रणजोत सिंह जी ने बहुत बड़ा लड़ाई बहुत अकेले लड़ी ये लड़ाई, एक तरह से आगे वो जो उसकी उन्होंने रणनीति अपनाई वो जीते। बैटल ऑफ अलीवाल भी रणजोत सिंह और हेनरी स्मिथ के बीच में हुई लेकिन वो हार गए, क्योंकि बहुत उसी बीच कहते हैं कि जस्ट विद इन ए वीक उन्होंने हमला कर दिया था, और जो योद्धा थे वो थके हुए थे काफ़ी, योद्धा नुकसान भी हुआ था उनका सिखों का, वो तैयारी नहीं थी उनकी, बट उन्होंने उस टाइम काफ़ी लड़ाई हुई थी बड़ी। ये बैटल ऑफ सबराओं लाल सिंह, तेज सिंह और श्याम सिंह अतारी वाला, और ये हुई हो गोफ और हेनरी स्मिथ के साथ, और ये सिख हार गए थे इसके अंदर। और फिर उसके बाद एक ट्रीटी हुई, और ट्रीटी उसको बोला जाता है लाहौर ट्रीटी, और लाहौर ट्रीटी जो हुई वो 9 मार्च 1846 में हुई, और इस ट्रीटी के साथ जो ये हुआ कि आधी जो टेरिटरी थी सिख की वो अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली। जो आधी टेरिटरी थी, या आप ये कह सकते हो आधा जो राज्य था वो सिखों का अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ 1848 और 1849 के साथ, सॉरी के बीच में, और ये महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश गवर्नर थे उस टाइम लॉर्ड डलहौजी के साथ हुआ, और लॉर्ड डलहौजी के साथ जो लड़ाइयाँ हुई इसमें बैटल ऑफ रामनगर जो लड़ाई लड़ी गई शेर सिंह अतारी वाला और सर गोफ के बीच में, सिखों ने इसमें विक्ट्री हुई इसमें। बैटल ऑफ छलियांवाला, शेर सिंह अटारी वाला और फिर सर गोफ के बीच में हुई, और ये भी बैटल सिखों ने जीती। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, कौन सी लड़ाई सेकंड एंग्लो सिख वार से रिलेटेड है, तो उसमें ये आंसर था बैटल ऑफ छलियांवाला। बाकी सब जितनी भी वो बैटल दे रखी थी वो सब की सब फर्स्ट एंग्लो सिख वार की थी। तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप ध्यान से देखना, कौन सी लड़ाई कहाँ पे हुई, कौन सी लड़ाई कौन से एंग्लो वार सिख की है, फर्स्ट वार की है सेकंड वार की है, ये ध्यान रखना आप।
बैटल ऑफ मुल्तान मुलराज और जनरल विश के अंदर हुई, वो हम हार गए थे। सिख फॉलोअर्स हार गए थे। बैटल ऑफ गुजरात छतर सिंह और शेर सिंह अटारीवाला के साथ और सर गोफ में हुई, बट वो भी हम जो थे सिख हार गए थे। और सबसे बड़ी बात, बैटल ऑफ गुजरात को बैटल ऑफ गन भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर अंग्रेज़ों ने गन को बहुत यूज़ किया था। बहुत सारे गन जो थे बंदूकें थी उनको यूज़ किया था, और जो सिख आर्मी थी उनके पास इतने बड़े हथियार नहीं थे, वो इतने डेवलप नहीं थे, इतने सहन नहीं थे, बट इसी वजह से वो हार गए क्योंकि गन उनके पास जो एरोस थे या फिर जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो इतनी नहीं थी जो गन का मुकाबला कर सकें, क्योंकि उनके पास जाने से पहले ही वो गन को शूट कर देते थे। और काफ़ी उसमें बैटल ऑफ गुजरात में सिख जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो मारे गए। लेकिन ये जो लास्ट लड़ाई हुई है बैटल ऑफ गुजरात, इस लड़ाई से जो पंजाब था वो सारा का सारा ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स्ट हो गया, उसमें जुड़ गया, और जो था इंडिया जो लॉर्ड डलहौजी था उसने एक संशोधन लेके आया वो 29 मार्च 1849 को, और उसने जो था दलीप सिंह जी को एनुअल पेंशन लगा के पेंशन लगा के भेज दिया। और उसके बाद 5 मार्च 1849 को 1849 को जो पंजाब था वो सोवियन स्टेट बन गया। तो ऐसे ये ब्रिटिश ने पंजाब को कैप्चर किया, और एस टाइम लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का। तो ये ऐसे मतलब आप कह रहे हो समझ सकते हो कि ऐसे इन्होंने ब्रिटिश ने कैप्चर किया पंजाब को। और जो दिलीप सिंह जी थे जिनकी आयु सिर्फ 6 और 7 ईयर थी, उनको सालाना पेंशन लगा के बाहर भेज दिया। तो फ्रेंड्स ये था सेकंड एंग्लो सिख वार, और अब मैं आपको आगे बताता हूँ 5 तख्त कौन कौन से हैं पंजाब में पंजाब के, और इनके बारे में बताऊँगा आपको क्या है। श्री अकाल तख्त जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हो कि ओल्डेस्ट तख्त है इन पांचों में से। और ये जो गोल्डन गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, हरमिंदर साहब हैं उनके सामने बना हुआ है, और इसका जो फाउंडेशन किया था श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। और इसी जगह पर श्री हरगोविंद जी ने मीरी और पीरी जो दो स्वॉर्ड्स थी पहनी थी, और उसकी फिलॉसफी क्या थी, उनको पहनने का रीज़न क्या था, यहीं पर उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है श्री दमदमा साहिब जो तलवंडी साबो जो बठिंडा के पास है वहाँ पे है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का फाइनल एडिशन तैयार किया था यहाँ पे, और यहाँ पे दमदमा साहब भीड़ भी है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी जो था गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे लिखा था, जो लास्ट के पार्ट थे जो लास्ट के बारे में थे, और यहीं पर उन्होंने लिखा था, यहीं पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था, और यहीं से उन्होंने बताया था कि आगे के जो गुरु हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। आगे है श्री केशगढ़ साहिब। केशगढ़ साहिब जो है वो आप ये क्या हाँ जो केशगढ़ साहिब जी हैं वो केशगढ़ साहिब जो गुरुद्वारा है, यहाँ आप ये कह सकते हो गुरुद्वारा भी है वहाँ पे। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने विसाखी वाले दिन 30 मार्च को खालसा पंथ की स्थापना की। और खालसा का मतलब होता है प्योर, जिसको हम खालस बोलते हैं पंजाबी में। और गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ यहाँ पे जो हथियार हैं यहाँ पड़े हुए हैं, और बहुत से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, और बहुत मानता है इस गुरुद्वारे की, और बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है। और आगे है श्री हजूर साहिब। हजूर साहिब जो है वो गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, किनारे के ऊपर बना हुआ है, और जो इसके अंदर का जो रूम है उसको बोला जाता है अंगिथा साहिब। और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे अपने ज्योति जो समाए थे, और जो जो उसकी बिल्डिंग है जो हजूर साहिब की जो बिल्डिंग है
तख्त की जो हजूर साहब तख्त जो बिल्डिंग है वो महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी 1830 में। लास्ट में है श्री पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का, जहाँ जन्म हुआ था 1666 में। और ये कहते हैं कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी भी आए हैं और गुरु तेग बहादुर जी भी यहाँ पे आए हुए हैं कभी इसी टाइम पे इस जगह पे। तो ये थे 5 तख्त। और थोड़ा सा अब फ्रेंड्स ब्रेक का टाइम हो गया है, प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं भी पानी पी के आता हूँ। 2 मिनट बाद फिर हम यहाँ मिलेंगे, 2 मिनट के बाद फिर हम यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। आगे जो मैं बताऊंगा आपको वो पंजाब के बारे में बताऊंगा आपको कि पंजाब का आज का जो पार्ट है वो क्या है। आप सब जानते हैं कि जैसे पंजाब जब ब्रिटिश के अंडर आ गया, फिर उसके बाद हमारे जो क्रांतिकारी थे काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल था हमारे जो क्रांतिकारी थे जितने भी थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया। आज उनकी वजह से हम यहाँ पे आज़ाद हैं और हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक अच्छी कंट्री में रहते हैं, एक सब मिलके रहते हैं। धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं, और क्योंकि हम इन आपस में मिलके रहते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेट, आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका सब लोग जो हैं डिफरेंट कंट्री में प्रेज़ करते हैं कि इंडिया जैसा जो देश है वो कहीं नहीं हो सकता और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो अब मैं बताता हूँ, जब पंजाब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए इंडिया का मैप है और पंजाब को वहाँ पे जैसे दिखाया गया है, और राइट हैंड साइड पे आपके पंजाब का मैप है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब का स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक, काला हिरन। स्टेट बर्ड है बाज, बाज जो गुरु गोविंद सिंह जी के एक तरह से सिंबल भी हैं। और स्टेट ट्री है शीशम, और स्टेट फ्लावर है लिली, जो फूल है वो फ्लावर है लिली फ्लावर। और जो पंजाब है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, आप देख रहे हो, आप मैप से भी देख सकते हो। और इसका जो एरिया है अप्रॉक्सीमेट 50,362 किलोमीटर स्क्वेयर इसका एरिया है। और इसको बॉर्डर कर जो बॉर्डर का एरिया है नॉर्थ में J&K है, और साउथ में राजस्थान है, ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है, और वेस्ट में पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है और वो है पाकिस्तान। जो इसमें बॉर्डर है वो 4 स्टेट से बॉर्डर करता है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। और इस ऐसे ये मतलब टोटल 5 बॉर्डर इसके एरिया हैं। और जो जुडिशल अथॉरिटी है इसकी पंजाब की वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर गलती हो गई है, पंजाब एंड पंजाब नहीं आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आएगा। आप अपनी नोटबुक में इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें। और जो फॉरेस्ट का कवर एरिया है यहाँ पे 6% है टोटल, और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो है होशियारपुर में, और जो सबसे कम जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट है वो है गुरदासपुर। फाजिल्का एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट में बने हैं, और टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 हैं, और फाजिल्का और पठानकोट को मिला के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में, जो दोनों 2013 में बने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पंजाब को अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एंशिएंट नेम क्या है, मतलब जब पुराना नाम क्या है, जब महाभारत के टाइम पे कह सकते हो आप, या महाभारत नहीं कह सकते हो तो एपिक्स जिसको हम बोलते हैं, एपिक एज बोलते हैं एंशिएंट एज को भी, तो इसका नाम था पंचनंदा। और जब ग्रीक आए इन्होंने उसको नाम दिया पेंटोपटामिया, और जब पर्शियन आए उसको नाम दिया पंज आब, और ये उससे बना। पंज का मतलब 5 और आब का मतलब दरिया, 5 दरियाओं का साम्राज्य, तो ऐसे बना पंजाब। तो ऐसे इसका नाम चेंज होता रहा और ऐसे बना पंजाब। थोड़ा सा मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। इसकी 5 डिवीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन, पटियाला, रूपनगर, जलंधर, फरीदकोट एंड फिरोजपुर। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 83 तहसील हैं, 86 सब तहसील हैं,
और 143 के आसपास ब्लॉक्स एंड टाउन्स हैं। डेंसिटी है 551 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011। और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, और बरनाला डिस्ट्रिक्ट सबसे कम एरिया डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से। और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और सबसे जो लोएस्ट है वो मानसा में है। फाजिल्का एंड पठानकोट लास्ट डिस्ट्रिक्ट बने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मजीठिया जो है न्यूली क्रिएटेड तहसील है, और जीरकपुर लेटेस्ट सब तहसील बनी 2016 में, जस्ट एक साल पहले। और गुरदासपुर के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट कवरेज एरिया है, नियर अबाउट 10% के आसपास। पंजाब के मैं आपको रीजन बताता हूँ, जैसे माझा, दुआबा और मालवा तीन रीजन में बटा हुआ है। माझा के अंदर चार डिस्ट्रिक्ट हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन और अमृतसर। जो माझा का एरिया है वो है गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन और अमृतसर। दुआबा का जो एरिया है, दुआबा का मतलब है दो दो मतलब दो दो नदियाँ, दो नदियों के बीच में जो एरिया है उसको बोला जाता है दोआब। और इसमें जो एरिया आ जाता है इसको सेंटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। और ये नदियां हैं ब्यास और दोआब, जिसको सतलुज भी बोला जाता था पहले। और इसके अंदर आ जाता है कपूरथला, जलंधर, नवांशहर और होशियारपुर। और आगे है मालवा रीजन, और इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट जो बचे हैं बाद में वही सब के सब इसके मालवा रीजन में आ जाते हैं। तो ये है रीजन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ रिवर्स के बारे में। जो रिवर है पंजाब में, वो दो तरह की रिवर हैं, एक है पेरिनल रिवर, एक है सीजनल रिवर। पेरिनल रिवर वो होती है जो 12 महीने चलती रहती है, यानी कि हर साल, मतलब जो नदी 24 घंटे चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं पेरिनल रिवर्स। और पंजाब में तीन पेरिनल रिवर्स हैं आफ्टर पार्टीशन, ये तीन रह गई हैं। दो और थीं वो पाकिस्तान में चली गई हैं, और एक है सतलुज, एक है रावी, और थर्ड है ब्यास जो पंजाब में है, इंडिया में। और सतलुज जो रिवर है उसका जो एल्टीट्यूड है सी लेवल से वो है 4555 किलोमीटर। और ये रक्स लेक है तिब्बत में, मानसरोवर से निकलती है, और ये शिपकीला जो है वहाँ से पास होती है। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो डैम है बाखड़ा नंगल डैम, वो इसी के ऊपर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर में। और ये हरी के पत्तन एक जगह है तरन तारण के पास, ब्यास रिवर के साथ ये मर्ज जाती है। और जहाँ पे ये मिलती है सतलुज, ब्यास, और जहाँ पे त्रि त्रिमाब तीन नदियाँ मिलती हैं उनको बोला जाता है पंजनाद बोला जाता है उस एरिया को। और अगर आप मैप देखेंगे तो ये जाके मिल जाती हैं अरबियन सी में ये जाके मिल जाती हैं फिर दोबारा सब इकट्ठी होके। ठीक है, नेक्स्ट है रावी, रावी रिवर। रावी रिवर है उसका एल्टीट्यूड है 4100 किलोमीटर, और ये कुल्लू कुल्लू से निकलती कुल्लू से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ये चिनाब और जेहलम को पाकिस्तान में ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे तीनों को बोला जाता है त्रिमाव बोला जाता है। और रणजीत सागर डैम जिसको थीन डैम भी बोला जाता है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर हुआ है 23rd of, नहीं सॉरी सॉरी, अभी मार्च में हुआ है। ठीक है, 26 मार्च को हुआ है। और उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रावी नदी का और क्या नाम है, एंशिएंट नेम क्या है, और उसके अंदर आंसर है पुरशनी। और उन्होंने दिया हुआ था अर्जी की, मैं आपको बताऊंगा किसका नाम है, लेकिन जो रावी नदी का पुराना नाम है वो है पुरशनी और इरावती, दोनों ही इसके पुराने नाम हैं, लेकिन इरावती जो है इरावती और पुरशनी ये दोनों ही इसके पुराने नाम हैं। अभी जस्ट महीना पहले पेपर हुआ है और उसी में ये आया हुआ है, महीना भी नहीं हुआ उसको, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 हफ्ता ही हुआ है, और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है।
और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था चुनाव को लेके, पंजाब का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। और जो ग्रीक में अगर बोले तो ग्रीक में इसका नाम है हाइड्रेट्स, रावी नदी का ग्रीक नेम है हाइड्रेट्स। और रावी नदी का जो नावी रावी नदी को रिवर ऑफ लाहौर भी बोला जाता है, क्योंकि ये लाहौर जो सिटी है उसका जितना भी एरिया है लाहौर वो इसी के ऊपर बसा हुआ है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर जो पंजाब के हमारे शहर हैं ये इसी के ऊपर बने हुए हैं। आगे चलते हैं ब्यास रिवर के ऊपर। ब्यास रिवर है 4000 किलोमीटर एल्टीट्यूड, और ये कुल्लू से निकलती है, रोहतांग से और हिमाचल प्रदेश से, और पार्वती और सुकेतरी दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके। और पार्वती जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर मणिकरण गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वो। पोंग डैम भी इसी के ऊपर बना हुआ है, और पोंग डैम के ऊपर महाराणा प्रताप लेक भी बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, ये डैम है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, महाराणा प्रताप लेक कहाँ पे है ये भी ध्यान रखें। ये सतलुज को ज्वाइन करती है हरी के पत्तन में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर बताने जा रहा हूँ आपको, इसका पुराना नाम है, पुराना जो नाम है इसका वो है बिप्स या बिपाशा, और या फिर अरिजिकी बोला जाता है, ये इसके पुराने नाम हैं। और इसका ग्रीक नेम है हाइपसिस, हाइपसिस इसका ग्रीक नेम है। और आप सबको पता होगा अभी पिछले साल इंडस वाटर टेरिटरी ऊपर बहुत हंगामा हुआ था, पाकिस्तान को ने यूनाइटेड नेशन में काफ़ी कुछ बोला था हमारे बारे में, और ये भी ब्यास रिवर के ऊपर ही है। ये जो ट्रीटी का डिस्प्यूट चल रहा है इंडस वाटर टेरिटरी, ये भी इसी के ऊपर ही है। हरी के सिटी जो तरन तारण में है वो इसी के ऊपर बनी हुई है, बसी हुई है। पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, तरन तारण, ये काफ़ी शहर हैं जो इसके ऊपर इसके किनारे पे सिचुएट हैं, इसके किनारे पे बसे हुए हैं। दो नदियाँ थी जो अब पाकिस्तान में हैं लेकिन वो पहले पंजाब में थी, ये उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। चिनाब जो नदी है उसका एंसिडेंट नाम है अशिकनी और इसकामती, अशिकनी और इसकामती वो उसका एंसिशन नेम है, और ग्रीक नेम है वो है एसिसेंस, साइंस एसिसाइंस। जैलम का पुराना नाम है वितासा और ग्रीक नेम है हाइड्रोपसिस, ये इसके ग्रीक नेम है। तो फ्रेंड्स ये था रिवर्स के बारे में, जो पेरिनल रिवर थी। और लेकिन इसके अलावा एक सीजनल रिवर भी है जिसको मानसून रिवर भी बोला जाता है, वो है घग्गर। ये हरियाणा को काफ़ी कवर करती है लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका पटियाला की तरफ भी है, और पटियाला को भी ये पटियाला से निकलती है, पटियाला समाना से होते हुए फिर ये हरियाणा में एंटर करती है। और जो घग्गर है ये भी सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में वहाँ से निकलती है, बट ये राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़ में जाके ये लुप्त हो जाती है, और आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला है ये आगे कहाँ जाती है और किस जगह पे जो ये लुप्त होती है उस जगह का भी अभी इनको प्रॉपरली पता नहीं चल ही नहीं रहा है। साइंटिस्ट अभी तक इतने साल हो गए हैं और इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं लेकिन कुछ भी अभी इनको पता नहीं चल रहा है। और कहते हैं इसको पुराना नाम इसका सरस्वती है, और इसको पहले सरस्वती रिवर बोला जाता था। और राजस्थान में इस नदी को बोला जाता है हकारा हकड़ा हकड़ा सॉरी हकड़ा बोला जाता है इस नदी को राजस्थान में। तो फ्रेंड्स ये था रिवर्स के बारे में। अब चलते हैं वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स जो है वो आप इंटरनेशनल भी होते हैं और नेशनल भी होते हैं, और वेटलैंड्स जो होते हैं एक स्टेट के लिए एक कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत फ्लोरा और फौना होता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, दलदली ज़मीन होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है, और टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छे होते हैं। और उसको प्रिजर्व करने के लिए इंटरनेशनल बॉडी होती है जिसका नाम है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिनका काम है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाए रखना और उनको मेंटेन करना। पंजाब में तीन इंटरनेशनल वेटलैंड्स हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। हरी के जो तरन तारण में है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये मैन मेड वेटलैंड है,
और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है नॉर्थ इंडिया की, वो भी यहीं पर है। और आगे है कंजली वेटलैंड जो कपूरथला में है। कंजली एक जगह है कपूरथला में, वहाँ पे है, और कहते हैं ये गुरु नानक देव जी से एसोसिएटेड है। यहाँ पे शायद गुरु नानक देव जी ने विजिट किया है, और ये मैन मेड वेटलैंड है। और थर्ड है रोपड़ वेटलैंड, ये भी मैन मेड वेटलैंड है। और एक यहाँ पे पिनाशिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जिसको इस्टेब्लिश किया है पंजाब टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने, सिर्फ यहीं पर है, बहुत अच्छा है। लेक के अंदर बना हुआ है, चारों तरफ पानी पानी है, बड़ा अच्छा है। आप जाएंगे तो आपको मतलब अच्छा महसूस होगा वहाँ पे, तो जाइए एक बार विजिट कीजिए। काफ़ी अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, और एक बहुत अच्छा मनोहर जिसको बोलते हैं सीन है वहाँ पे, प्लेजेंट लगेगा आपको, एक अच्छा महसूस होगा वहाँ पे जाके आपको। उसके बाद दो नेशनल वेटलैंड है हमारे, रणजीत सागर और नंगल वेटलैंड। जो रणजीत सागर और मैन मेड फ्रेश वेटलैंड है, और नंगल जो है आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे। अब आपको थोड़ा मैं इसके ज्योग्राफिकल के बारे में बताता हूँ, फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। पंजाब 1 नवंबर 1966 को शाह कमीशन की जो कमेटी बनी थी, चेयरमैन थे इसके जस्टिस जेसी शाह, उसके द्वारा बना, और पंजाब को डिवाइड करके हरियाणा बना और हिमाचल बना। चंडीगढ़ भी वहाँ से फिर आया आगे, और उसके बाद ये रिपोर्ट 31 मई को डिलीवर हुई पार्लियामेंट में 1966 में, और फिर आगे ये पंजाब का पार्टीशन हो गया। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 1.54% है टोटल कंट्री के हिसाब से, और चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, या फिर इंडियाज़ ब्रेड बास्केट जिसको बोला जाता है, अन्नदाता वो पंजाब को बोला जाता है। और फिरोजपुर और फाजिलका जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो आटा और चावल, वीट और राइस के। और सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो गोपी चंद भार्गव, इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे, और चंदूला माधव लाल त्रिवेदी पहले गवर्नर बने थे पंजाब के। लुधियाना मोस्ट पॉपुलस सिटी है, बहुत जनसंख्या है यहाँ पे, और पंजाबी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो 1966 में डिक्लेयर हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्ट पंजाब में जो हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, वो इसमें सॉरी जनवरी में उसमें जो क्वेश्चन आया था, और ये था कि 1966 1967, बच्चों ने 1967 में लगाया है, वो गलत है, 1966 की ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया था। सेक्स रेशो जो है 18:8:95 है एज पर सेंसस 2011। और पंजाबी पंजाब जो है सेकंड लोएस्ट मेल फीमेल रेशो है इंडियन स्टेट्स इंडिया के हिसाब से, और 66% जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, 34% जो अर्बन एरिया में रहते हैं शहरी इलाके में। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो लिटरेसी रेट सबसे बड़ा अच्छा है इनका, 75.84% लिटरेसी रेट है। होशियारपुर सिटी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है, सिटी सॉरी सिटी है। मानसा सिटी सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी ऑफ जो है फतेहगढ़ साहिब में है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस फरीदकोट में है, और द वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होशियारपुर में है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस भी यहाँ पे नेशनल पार्क है, वीर मोती बाग पटियाला में, हरि के पत्तन तरन तारण में है, और बीर असिवान संगरूर में है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोपड़ में है, हिरन के जो पार्क हैं अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबोहर में है, मिनी जू लुधियाना में है, और उसके अलावा जू पार्क जो है सबसे बड़ा पार्क जो है छतबीर जू, जो छतबीर जू है इसको महेंद्र चौधरी जू भी बोला जाता है, वो जीरकपुर में है। और मेरी जो पहली वीडियो थी जीके की जनवरी की, उसके बारे में मैं इसमें लिखा हुआ है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं थोड़े से। लुधियाना जो जो टाइगर सफारी है वहाँ पे मशहूर है वहाँ पे, वो लुधियाना में है, और मिनी जू भी हैं दो, वो पटियाला में भी है बठिंडा में भी है, यहाँ पे भी हिरन है, हिरनों के लिए मशहूर है ये। स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ, स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़ा रोल है पंजाब का।
हॉकी नेशनल स्पोर्ट कह सकते हो, सॉरी स्टेट स्पोर्ट कह सकते हो पंजाब का, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, लेकिन पॉपुलर खेल है हॉकी। कबड्डी जो है वो स्टेट गेम है पंजाब की, और किला रायपुर जो लुधियाना में है, एक सिटी भी है या टाउन है, किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है हर साल, और उसको रूरल ओलंपिक बोला जाता है। लाला अमरनाथ, बिशन सिंह बेदी, योगराज सिंह जो क्रिकेटर युवराज सिंह के फादर भी हैं और ये एक एक्टर भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, दिनेश मोंगिया, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, पीयूष चावला, सब वहाँ और भी लोग हैं, और भी क्रिकेटर हैं जो या पंजाब से बिलोंग करते हैं, अजीत पाल सिंह, गगन अजीत सिंह, प्रभजोत सिंह, ध्यानचंद, सुरजीत सिंह, रंधावा, ये भी हॉकी के प्लेयर हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख जिसको बोला जिनको बोला जाता है, कमल जी संधू, एथलीट्स पंजाब से बिलोंग करते हैं, जीव मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह के बेटे गगनजीत बुल्लर, ये गोल्फ के बहुत रिनोन प्लेयर हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, अक्षय कुमार जिनका रियल नेम राजीव भाटिया है, ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में और फिल्म एक्टर हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, वीरू देवगन फादर हैं जो अजय देवगन के, और अजय देवगन का नाम रियल नेम विशाल है, और ये एक्टर हैं और स्टंट डिजाइनर हैं, लाला लाजपत राय, बाई परमानंद, हरनाम सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, भगत सिंह, मदन लाल डिंगरा, सुखदेव, सबसे जो भी हैं और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने पंजाब से बिलोंग करते हैं, और सबके सब सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं पंजाब में, पंजाब से बिलोंग करते हैं, और पूरे इंडिया को, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में इन सब ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, हम सबके लिए, हम सबको आज़ादी करवाने के लिए अंग्रेज़ों से अपने जीवन का बलिदान कर दिया छोटी छोटी सी उम्र में, और जिस उम्र में हम आज की डेट में व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं, और ये हमारे लिए लड़ रहे थे, और हमारे लिए इन्होंने फांसी फांसी को पसंद किया, और देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को त्यागा। तो ये भी बहुत सारे हैं जो हमारे इंडिया से आए हैं और इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। कुछ पंजाब की स्कीम के बारे में बताता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं पंजाब में नई गवर्नमेंट आई है और वो कुछ काफ़ी रिन्यू करी है उसके ऊपर, तो अभी जो मेन मेन स्कीम्स हैं मैंने वही ऐड की हैं इसके अंदर। एक है माई भागो स्त्री शक्ति स्कीम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब पुडा का पेपर हुआ था उसमें आया था ये जो स्कीम थी, एम्पावरिंग वुमेन एंड हेल्प देम टू बिकम मोर स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज के लिए बनाई गई थी, फ्री हेल्थ चेकअप स्कीम फॉर पीपल अबव 30 ईयर्स, जिनकी 30 साल से ऊपर उम्र ज़्यादा है वो उनको फ्री चेकअप मिलेगा, और अन्नपूर्ण अक्षय पत्र योजना जो पिछले साल शुरू की गई, 10 रुपये के अंदर मील स्कीम जो मील्स जो था देने के लिए, ये पंजाब और हरियाणा दोनों में दोनों ने मिलके स्टार्ट की थी। थोड़े से और मैं आपको एड ऑन दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, पंजाब एरिया के हिसाब से 18th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में, भंगड़ा गिद्दा और किकली इसके फोक डांस हैं, असेंबली सीट 117 है, और इसकी जो असेंबली है वो यूनिकैमरल है, एक ही असेंबली है, लोकसभा में इनकी 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि पंजाब में पंजाब की पार्लियामेंट्री सीट कितनी है, तो आंसर आएगा 20, 13 है लोकसभा, 7 है राज्यसभा, टोटल बनती हैं 20, और मैंने देखा है कि बच्चे 13 जो 13 है उसको अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, गलत है ये, और कुछ तो मतलब 117 ये भी गलत है, पार्लियामेंट सीट मतलब कहने का दोनों सीटें लोकसभा राज्यसभा को मिला के। जलंधर सिटी को मक्का ऑफ इंडियन हॉकी भी बोला जाता है, और लास्ट में आपको बता दूं जो हमारे गवर्नर हैं आज में, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर है पंजाब के, वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर बोला जाता है इनको, और नए हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी से हैं, और अभी पिछले महीने ही इन्होंने चार्ज लिया है, और जो विधानसभा स्पीकर हैं राणा कन्वर पाल सिंह ये भी कांग्रेस के हैं, ये विधानसभा स्पीकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर सेलेक्ट किए गए हैं, चूज़ किए गए हैं। तो ये था फ्रेंड्स पंजाब के बारे में,
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट मैंने मिलके बनाया है, नियर अबाउट 3 आवर्स के आसपास की ये वीडियो बन जाएगी टोटल। और इसके अंदर मैंने सारा कवर किया है। और इसके अलावा अगर आपको अगर आपको ये इस मेरे पास जो नोट्स पड़े हैं पंजाब के, अगर आपको वो चाहिए हो तो उसका चार्ज सिर्फ 50 रुपीज़ है। वो मेरे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं आपको स्कैन कॉपी भेज दूँगा बाई मेल, जहाँ अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए आप मुझसे हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हो बाई कोरियर। और ये सारे के सारे मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं, बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर सर्च किया है, और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ आप सबकी जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी जॉब लग जाए, जहाँ आपका जो भी ज़िंदगी का आपका एम है, आपका लक्ष्य है, वो आपको मिले। आपके जो पेरेंट्स की हार्ड वर्क की जो मनी है वो वेस्ट ना जाए, और आप सबको अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छे आप ज़िंदगी में कामयाबी पर पहुँचो। और मेरी आप सबको यही एक छोटी सी प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, क्योंकि अगर किसी का भला भला होता है तो उसका कुछ पार्ट आपको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी की भलाई करो तो उसका जो पुण्य होता है वो आपको भी मिलता है, दूसरों को भी मिलता है। तो मैं थोड़ा ऐसा विश्वास करता हूँ, और मेरी वीडियोस आने वाली हैं, अभी मैं आपको और आएंगी वीडियोस। और अगर आपको ये चाहिए हो तो स्टडी मटेरियल आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं, और मैं आपको ये बाई मेल भेज दूँगा। आप उसके बाद, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मेल कर बता सकते हो कि आपको और कोई डाउट है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पंजाब के ऊपर वीडियो, पंजाब को लेके, और मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, और आप सब हेल्दी रहें अपने माँ बाप पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के अच्छे काम करें पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स आपके हमेशा खुश रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।